न्यूज चल रही है कि तो आईटीसी में जो न्यूज चल रही है कि बैट अपनी स्टेक बेच रहा है, बैट के पास में जो कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी है उसका अगर आप देखोगे तो उसका 29% स्टेक अभी तक आईटीसी में हुआ करता था, और स्ट्रेटेजिक स्टेक अभी भी वो अपना रख रहे हैं, मतलब 25% रख रहे हैं, और लमसम 4% या 3.5% के आसपास उनका सेल करने का न्यूज काफी दिनों से आ रहा था, और एनालिस्ट अलग अलग तरीके के डिस्कशंस कर रहे थे कि वो गिर जाएगा कि बढ़ जाएगा, ज्यादातर लोग गिरने की बात कर रहे थे कुछ लोगों को छोड़ करके। इन जनरल मैंने न्यूज में जितने न्यूज बेस्ड चीजों को देखा उसमें जो आईटीसी कल तक चल रहा था 400 400 4 रुपए का, उसको 370 380 390 पे डील होगी ऐसे करके के बातें हो रही थी। डील का एक्चुअल प्राइस क्या होने वाला है इसकी भी बात नहीं प्रॉपर पता चली थी, डिस्काउंट कितना होने वाला है, एक्चुअल में कितनी स्टेक सेल होने वाली है ये सब कुछ भी नहीं क्लियर था। लेकिन जैसे ही आज मार्केट ओपन हुई तो हमने देखा कि आईटीसी अच्छा खासा ओपन ऊपर ओपन हुआ, 430 के लेवल पे लगातार दिखा, हालांकि एक लंबी रेड कैंडल बन करके हमें दिखा कि वो ऊपर ओपन हुआ था और उसके बाद में नीचे क्लोज हुआ, लेकिन हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। अगर हम देखेंगे बैट जो कंपनी है होल्डिंग रखी हुई थी आईटीसी में, ये 1900 से रखी हुई थी, अभी क्या था कि उसकी बैलेंस शीट काफी स्ट्रेस थी, काफी डेट था उसकी बैलेंस शीट में जिसे कह सकते हैं कर्जा था, तो कर्जे को कम करने के लिए अपनी बैलेंस शीट को बेटर दिखाने के लिए अपनी पोजीशन को थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करने के लिए ये जो कंपनी है बैट इसने अपना स्टेक जो है आईटीसी से हटाया, थोड़ा सा हटाया। अब लेकिन यहाँ पे ये भी बात है कि देखो यार एक सेलर है तो एक बायर भी है, ठीक है, तो हम बैट बेच रहा है बैट बेच रहा है ये देख रहे हैं, लेकिन खरीद कौन रहा है ये नहीं देख रहे। बैट एक कमजोर कंपनी है, ब्रिटिश अमेरिकन जैसा आप नाम सुन रहे हो तो उधर की कंपनी, अपने वेस्टर्न मीडिया में वेस्टर्न कंट्रीज में क्या चल रहा है आपको पता है, उधर जीडीपी डिक्लाइन हो रहा है, तो जीडीपी डिक्लाइन हो रहा है, कंपनीज की बैलेंस शीट स्ट्रेस्ड है, ग्रोथ हो नहीं रही है उनकी, तो वो इस तरीके से फिर अपना थोड़ा थोड़ा पैसा कहीं ना कहीं से निकाल ही रहे। तो अब उन्होंने अपना स्टेक मान लो आईटीसी से निकाला हुआ है जो भी 4% का निकाला है। अब इस सिचुएशन में जो हम सिचुएशन जो मार्केट में अफवाह जिस तरीके की उड़ाई गई है, जैसे जिस तरीके से बातें चल रही थी, मतलब एक तरीके का पैनिक टाइप का क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही थी, वो क्लियर मतलब आप सोचो कि ये गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए। तो आप अंदर को अगर इसको समझने की कोशिश करो, एनालिसिस करो इस न्यूज का, तो आपको ये समझ में आएगा यार कि एक जो कमजोर हाथ है वो हट रहा है स्टॉक से जो कि बैट का है, और एक मजबूत हाथ जो कि अपने हो सकता है एलआईसी का हो या दूसरे लोगों का हो जो हमारी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या पैसा लगाते हैं स्टॉक्स में, उनका मजबूत हाथ एक उसमें स्टॉक में आने वाला है या आ चुका है ऑलरेडी, 15% स्टेक एलआईसी आईटीसी में एलआईसी की है, ठीक है, तो वहां पे अगर 3-4% या जो भी ओपन मार्केट से उन्होंने बाय किया वो किया। पॉइंट यहाँ पे ये यह है कि आईटीसी का स्टॉक आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से भागा हुआ है ऊपर की तरफ, एंड उसका एक एनालिसिस मैं आपको चार्ट में करके दिखाने वाला हूँ, तो चार्ट को भी हम देखेंगे, हम फंडामेंटल्स को भी देखेंगे और क्या क्या चीजें आईटीसी के अंदर है और वो क्या कर सकता है आने वाले दिनों में या क्या रीजन है जो वो देखिए। बैट का एग्जिट हो गया वो एक अलग बात है, बहुत अच्छी बात है कि ठीक है एक कमजोर हाथ निकला और एक मजबूत हाथ में स्टॉक गया, लेकिन अब बात को समझने वाला है कि एक्चुअल में टोबैको सेक्टर क्या कर रहा है, किस तरीके की सिचुएशन है आईटीसी में। आईटीसी में केवल आप देखोगे तो सिगरेट या कह लो टोबैको का काम ही नहीं है, 50% से नीचे रेवेन्यू कह लो तो आईटीसी का टोबैको या सिगरेट के बिजनेस से आता है। उसके बाद में उसमें एफएमसीजी, अगर एफएमसीजी की आप बात करो तो इंडिया में सेकेंड लेवल पे सेकेंड हाईएस्ट बिगेस्ट कंपनी आईटीसी है एफएमसीजी के मामले में। उसके बाद में पैकेजिंग में, होटल इंडस्ट्री में और पेपर सेगमेंट में भी है ये कंपनी, तो अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड स्टॉक है। अब समझने वाली बात यह है कि एफएमसीजी में अगर आप ब्रिटानिया को देखो या कुछ और दूसरी कंपनीज को देखो तो उनकी पी 70-80 के रेशियोज पे है। अब अगर उनकी पी 70-80 के रेशियोज पे है तो एक बात समझने वाली, और आईटीसी की अगर पी देखो तो 21 पे है, तो अब 20 अभी थोड़ा सा बढ़ गया तो मान लो 24-25 पे चली गई होगी। तो पॉइंट यहाँ पे ये कि पहली चीज तो आईटीसी अगर आप देखो तो वैल्यूएशन वाइज सस्ता हो गया उनसे एफएमसीजी के मामले में। दूसरी चीज कि होटल इंडस्ट्री में भी सिक्लिकल अपसाइड दिख रहा है आने वाला है। तीसरी चीज कि हमारा जो टोबैको वाला बिजनेस है उसमें यार मार्जिन हमेशा से जैसे रहे हैं, ग्रोथ ज्यादा नहीं होती है टोबैको के बिजनेस में लेकिन मार्जिन इंटैक्ट रहते हैं, तो वो चीज भी है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो आईटीसी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जिसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एंड उसके कॉम्पिटिशन में अगर आप देखो तो गॉडफ्रे फिलिप्स और वीएसटी इंडस्ट्रीज ये सब जो भी स्टॉक्स है, तो आईटीसी का पीई रेशियो अगर आप देखो तो 21 है, गॉडफ्रे फिलिप्स का देखो तो 16 है, एंड बीएसटी का आई थिंक लमसम 12-13 के करीब है। तो अभी पॉइंट ये जो है यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि जो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी है उसने अपना स्टेक इसलिए सेल किया क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी। अब यार पैसे की जरूरत थी तो इसका मतलब ये नहीं कि आईटीसी खराब हो गया, तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें और किसी भी रीजन कभी भी इस तरीके से स्टॉक्स को बाय या सेल ना करें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे इस स्टॉक में, लॉन्ग टर्म आपकी होल्डिंग थी, तो आपको इसको इन्वेस्ट करके रखना था। अच्छा एक चीज और आपको और बताऊंगा, जब ये न्यूज वगैरह आ रही थी कल तो
तो मैंने जीसीडी का अपना जो मेथड है उसके बेसिस पे भी जाके इसको देखा, तो वहां पे मैंने देखा लमसम 11 मार्च से लेकर के, या लमसम हाँ 11 मार्च या 3 मार्च से लेके 22 मार्च के बीच में इसको 3.5% लमसम भागना था। तो अभी वो उस चीज को मैं देख रहा था, तो मेरे को ये एक अंदाजा था कि वहां से इसमें एक अपसाइड तो दिख रहा था। दूसरा मैंने देखा चार्ट में, अगर मैं जाकर के देखूं तो एक सप्लाई जोन भी बना हुआ था, लेकिन मैं हॉरिजॉन्टल सप्लाई जोन को नहीं देखता हूँ, मैं आड़ी तिरछी लाइनें जितनी भी होती हैं ट्रेंड लाइन सबको बना करके देखता हूँ। तो वो अभी चार्ट में बनाने वाला हूँ, डिटेल में दिखाने वाला हूँ, तो एंड तक रुके रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा। मैं आपको बहुत तगड़े तरीके से टेक्निकली भी चार्ट में दिखाऊंगा कि एक्चुअल में आईटीसी के स्टॉक में क्या क्या चीजें हो सकती है। अच्छा एक चीज और है, ये जितनी भी बातें मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, अगर आप चार्ट को देखोगे तो चार्ट से ज्यादा क्लियर होंगी। अच्छा एक टेक्निकल में अभी आपको और चीज बताऊंगा, लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है आईटीसी के स्टॉक में, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बेयरिश, अब इस वक्त बेयरिश ट्रेंड में आ चुका है। ठीक है, चैनल्स क्या क्या बन रहे हैं उसमें, स्मॉल चैनल बिगर चैनल जो है वो मैं अभी बना के बताने वाला हूँ। उसके अलावा अगर मैं फंडामेंटल्स की थोड़ी सी और बात करूँ, तो गोल्डमैन सैक्स ने भी ये अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि नियर टर्म में ग्रोथ जो है थोड़ी स्लाइटली वीक रहने वाली है, एंड इस वक्त तो स्टॉक थोड़ा सस्ता दिख रहा है, ऐसा उन्होंने बोला। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो बाकी चीजें मैं कवर अप कर ही चुका हूँ। अच्छा डिविडेंड यील्ड के हिसाब से अगर आप देखोगे तो लमसम जिस जिस लेवल पे स्टॉक कल अवेलेबल था, कल बोले तो मतलब कि 12th ऑफ मार्च, आज 13th ऑफ मार्च है, तो कल के लेवल पे आईटीसी का डिविडेंड यील्ड जो था वो 3% के आसपास बैठ रहा था। अच्छा कंपनी में ज्यादा ग्रोथ है नहीं या दिख नहीं रही है, तो इसकी वजह से कंपनी क्या करती है, अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती जा रही है। ये केवल उसी के केस में नहीं, और भी जितनी कंपनी ज्यादा अच्छा ग्रो कर चुकी है उनके केस में यही होता है। एक अच्छी चीज और होने वाली है कि आईटीसी में होटल का जो बिजनेस है वो फिर से लिस्ट होने वाला है, लिस्ट होने वाला है, तो वैल्यू अनलॉकिंग का एक बड़ा पोटेंशियल यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन आप ये नहीं अभी अंदाजा लगा पाओगे, 5 लाख करोड़ की देखो मार्केट कैप है पूरी आईटीसी की, लेकिन उसमें से कितना पार्ट होटल का है ये अभी नहीं पता किसी, तो वो चीज एक आपको देखनी पड़ेगी। एंड अब हम जरा चल करके चार्ट को देख लेते हैं, और इसमें मजा आने वाली है अपने को, चार्ट को हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में आईटीसी में क्या हो रहा है। एंड मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। और ये आपको दिख रहा होगा आईटीसी का स्टॉक मेरी स्क्रीन पर, एंड अगर आप देखोगे तो यार ये देखो, ये आपको ये जो मैंने लोअर लो फॉर्मेशन बोला ना, ये देखो ये स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक गिरा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिरा है और फिर इसके बाद में उठा है, लेकिन इस वाले टॉप को नहीं काट पाया, इस वाले टॉप जो यहाँ पे बना हुआ है उसको ब्रेक नहीं कर पाया। अगर ब्रेक कर देता तो ये हायर हाई फॉर्मेशन होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये गिरा, और गिरा यहाँ तक रहता तो ठीक था, इसने क्या किया इस लो को तोड़ दिया, लो को तोड़ दिया। अगर इस लो को तोड़ दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, लोअर लो फॉर्मेशन हो गया, ये तो लो था ही, ठीक है ये लो तो था ही आपको पता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ एक और लो बन गया, तो ये क्या हो गया लोअर लो हो गया, क्योंकि ये लो उस वाले लो से नीचे तो लोअर लो हो गया, लोअर लो हो गया। अब ये लोअर लो जो बन गया है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा खतरा बढ़ गया स्टॉक में, मतलब ये जो आपको इतने दिनों से बढ़ती हुई भागती हुई रैली दिख रही थी, इसमें दिखाता हूँ आपको जस्ट जरा देखो, मैं चार्ट को श्रिंक कर रहा हूँ, ये देखो ये जो भागा है भयंकर तरीके से भागा है। इस भागने में इसने पहला तो काम ये किया कि एक करेक्शन दिया, ये करेक्शन अगर आप देखो तो यहाँ पे जो करेक्शन आया, यहाँ पे जो करेक्शन आया, उनसे लमसम प्राइस वाइज तो बड़ा है, टाइम वाइज तो लमसम इसके बराबर ही, ठीक है इधर भी टाइम वाइज बराबर है, लेकिन प्राइस वाइज ज्यादा बड़ा है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन अगर आप इस करेक्शन को मेजर करो तो इस तरीके करेक्शन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये सब दिखे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमें दिख रहा है वो ये है कि यार पहली चीज तो ये कि यहाँ पे दो टॉप हमको दिख रहे हैं, ठीक है। अब इन दो टॉप के बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, हम इनको कनेक्ट करके एक हमको रेजिस्टेंस का जोन अभी ही हमको पता चल रहा है। और एक चीज ये देखो यार, ये ऊपर जितना भी चाहे भागा भागा हो, यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाया 437 438 के लेवल को टच करके बंद कहाँ हुआ है 422 पे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये सारी ड्राइंग हटा करके आपको चार्ट में जो ट्रेंड लाइन है उसको दिखाता हूँ। इस ट्रेंड लाइन को देख लो आप, ये ट्रेंड लाइन बन गई। अब अगर ये प्राइस जहां भी जाए, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अब आप लोगों की प्रॉब्लम ये रहती है कि आप लोग ऐसे हॉरिजॉन्टल बना देते हो लाइन, हॉरिजॉन्टल नहीं, यहाँ पे क्लियर एक गिरती हुई स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन दिख रही है जो कि रेजिस्टेंस दे रही है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, ठीक है पहली चीज। तो जो लोग इसमें इन्वेस्ट करे हुए हैं छोटे टाइम के लिए या बड़े टाइम के लिए, वो लोग इस लाइन का बहुत ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा मैं काम क्या करने जा रहा हूँ कि मैं इन दोनों बॉटम्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक। अब ये अपने आप में एक चीज और दिखा रही है कि यार इसके बराबर का अगर होता, ये जो आपको दिख रहा है इसी एंगल पे अगर ये ट्रेंड लाइन होती तो फिर भी अच्छा होता, क्यों कि यार ये इसकी गिरावट कम है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को देखो ये ज्यादा नीचे की तरफ मुंह फाड़ रही है। अगर ये नीचे की तरफ ज्यादा मुंह फाड़ रही है, मतलब कि
डिक्लाइन का ट्रेंड ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। इसी जगह लो यहाँ पे कहीं लगा होता तो इसी के पैरेलल मान लो कि अगर मैं इसी को ही एक तरीके से इतना ही इसको, एक सेकंड में चैनल से कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसमें चैनल बना देता हूँ। तो मैंने अगर इसको ये यहाँ से चैनल बना दिया, ठीक है, ये ऊपर की लाइन और इसी को ही मैंने पैरेलल बना दिया, देखो इसके अंदर रहना चाहिए था प्राइस, लेकिन क्या हुआ इसको नीचे क्रॉस कर गया। तो अभी के लिए मैं चैनल को बड़ा कर देता हूँ, ब्रॉड कर देता हूँ। अभी प्राइस क्या किया, मिड लाइन जो है वहां से रिट्रेस होकर के नीचे आ गया, मतलब लोअर हाफ में, ठीक है। तो एक चीज का ये बहुत ध्यान रखिए, ठीक है। दूसरी चीज, अब नीचे से हम कुछ पॉइंट्स को कनेक्ट करके लाएंगे यहाँ पे। यहाँ से अगर आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन जो दिख रही है आपको, अगर मैं इसको देखूं कनेक्ट करके, तो यार इसको तो क्रॉस कर चुका है, ये तोड़ चुका है, ठीक है। तो वो जो मैं बात कह रहा था कि यार इसमें इन जनरल आपके जो करेक्शंस जो यहाँ पे आए थे उससे बड़ा करेक्शन है ये, उससे बड़ा करेक्शन यहाँ पे रुका नहीं, फिर थोड़ा सा रैली के बाद में फिर और बड़ा करेक्शन आया, ठीक है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, अभी मैं अगर इसमें ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इस पे मैं अगर यही चैनल बना के छोड़ दूँ, ठीक है, तो देखते हैं जरा। मैंने ये चैनल बना के छोड़ दिया, ठीक। देखो यहाँ तक तो प्राइस इस रेंज के अंदर था, उसको ब्रेक करके ऊपर निकला है, उसके बाद में फिर ऊपर रहा है, ऊपर से फिर एक चैनल चल रहा है। अब यहाँ पे इस चैनल के अंदर अंदर ये आगे कहीं पे अगर डिप ले ले, टिप ले ले, बॉटम ले ले, तो एक बार चलेगा, ठीक है, ले, और इसके ऊपर भी ले सकता, ठीक है। तो ये इन जनरल हमने चैनल्स के थ्रू एनालिसिस कर लिया। उसके बाद में हम ये चीज एक देख सकते हैं कि यार ये एक लेवल है, ठीक है, ये एक लेवल है, ये कुछ ऐसे लेवल्स हैं जो आपको वॉच करने चाहिए। यार हो सकता है आकर के यहाँ पे टच मारे, ये लेवल आपके पास में सामने होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद में ये जो आपने देखा, जो मैंने आपको बताया इन जनरल, ये आपने देखा कि आईटीसी में जिस तरीके का भी फॉर्मेशन हो रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें काउंटिंग बताऊंगा वेव्स की, ठीक है, जो वेव्स इसमें चल रही है, ठीक है। तो ये पहला लेवल जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये तो पहला, ये एक वन वेव हो गया, ठीक है, ये वन हो गया और ये टू हो गया, उसके बाद में फिर ये एक वन, क्योंकि थ्री तो अभी आया नहीं, थ्री आपको पता है इंपल्सिव होता है, टू वन टू फिर से हो गया, ठीक है, यहाँ पे फिर वन टू फिर से आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये भागा है, एंड यहाँ से अगर आप देखो तो इंटरनली यहाँ पे जाकर के कहीं थ्री पूरे हुए हैं ऐसा लग रहा है। अब ये थ्री जो यहाँ पे पूरे हुए हैं, यहाँ पे थर्ड पूरा हुआ है, यहाँ पे एक्चुअल में ये थर्ड लग रहा है जैसे पूरा हुआ है, ये जो यहाँ से भागा है, ठीक है, दोनों में तीनों, ये तीन बिंदु हो गए। उसके बाद में फोर्थ वेव, आप सब जानते हो थर्ड के बाद में फोर्थ वेव आती है, अब ये फोर्थ वेव चल रही है, ठीक है। अब फोर्थ वेव कहाँ पे जाकर के रुकेगी, इस पूरी जो वन टू थ्री है इसके अंदर, जो फोर्थ पहले अंदर वाली है, इसके अंदर मैंने मार्किंग नहीं करी है, मान लो वन टू थ्री फोर एंड ये फाइव यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये जो है ना जगह, यहाँ पे जाकर के फोर्थ का कंप्लीशन माना जाएगा, ठीक है, इन जनरल ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेवल आपका मेरे को दिख रहा है जहाँ पे जाके प्राइजेस जाकर के रुक सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसके पैरेलल में है, इसके बराबर में, और इन जनरल नीचे वाला जो पार्ट है वहां पे जाकर के, मतलब एक 400 340 वाला जो लेवल है वहां पे जा सकते हैं। अच्छा, ये अपसाइड है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि अरे यार ये तो अपसाइड है, और वो एक अलग बात है कि वहां से वो भाग सकता है, लेकिन ये भी एक हमने देखा है प्रूवन कॉन्सेप्ट कि पिछले लेवल की जो फोर्थ वेव होती है वहां पे नेक्स्ट लेवल की फोर्थ वेव जाकर के एक सपोर्ट लेती है। इसके बाद में यहाँ पे मतलब कि एक तरीके से आपकी ये फोर्थ वेव बनेगी, ठीक। उसके बाद में यहाँ से ऊपर भाग करके यहाँ पे फिफ्थ वेव कंप्लीट होगी, ठीक है। अब टाइम वाइज हम कुछ नहीं कह सकते कितना टाइम लगेगा, ये हो गई फिफ्थ वेव, ठीक है। उसके बाद में अब जब फिफ्थ पूरी हो जाएगी, मतलब एक्चुअल में ये फिफ्थ जो पूरी होगी इसके साथ में ये वाली जो वन टू चल रहा था, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला, इसका फिर यहाँ पे जाकर के एक्चुअल में थ्री पूरा होगा, दिख रहा है। इसके बाद में उसका फोर्थ पूरा होगा, फिर इसी तरीके से ये जो वन और टू चल रहा है, इस वन और टू हुए, इनका थ्री अभी पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो वो थ्री जाकर के जब ये इसका इसका जब थ्री है, ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये जब अपना थ्री पूरा हुआ तो यहाँ पे इसका कहीं फोर पूरा होगा, जस्ट वेट,
4 पूरा होगा, ऐसे ही फिर उसका जा करके 5 पूरा होगा, ठीक। जब ये 5 पूरा होगा तो यहाँ पे ये जो 2 दिख रहा है, इसके बाद में ये 7 में 5 के पूरा होते ही यहाँ पे वो 3 पूरा होगा जो आपने बहुत पहले देखा था, ऐसा अंदाजा दिख रहा है, ठीक है। कई बार हमने ये भी देखा है कि ये चीज पूरी नहीं होती और फिर नीचे चला जाता है स्टॉक, ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि ये बुलिश स्टॉक है और ये इसने हमेशा नए नए लेवल बनाए हैं अपसाइड पे, इसलिए चांसेस है कि ये चीज करे। अब जब थर्ड ये पूरा हो जाएगा तब ये नीचे यहाँ पे कहीं जा करके फोर्थ होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद में कहीं। अब देखो ये प्राइस और टाइम को मत देखना, ये फोर्थ और ये थर्ड जो भी आपको दिख रहा है ये सब पूरा होने में बहुत टाइम लग सकता है। पॉइंट ये है, पहली चीज, जितनी फंडामेंटली मैंने आपको बातें बताई, फंडामेंटली आप जानते हो अच्छा स्टॉक है, वेव वाइज भी काउंटिंग हमको ऊपर की दिखा रहा है, ठीक है, ये दो चीज है, ठीक है। और साथ में उसका बिजनेस कैसा है और जो उसमें वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है होटल बिजनेस की, और जो भी स्टेक चेंज हुआ है, हैंड्स ऑफ चेंज जो भी हुआ है, उसका कोई इतना बड़ा मतलब नहीं है जो हल्ला इतना हल्ला मचा दिया गया। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, कल मैंने कई सारे वीडियोज देखे यूट्यूब पे इसके आईटीसी रिलेटेड, और मैंने देखा ज्यादातर मैं न्यूज के बेसिस पे डाउन डाउन डाउन। फिर उसके बाद में आज सुबह मैंने एक वीडियो देखा, मार्केट खुलने वाली थी वहां पे आपकी बात हो रही थी, लेकिन कल जो मैंने और वीडियो देखे थे जिनमें किसी में भी अगर अपसाइड की बात कही गई थी वो इस बेसिस पे कही गई थी कि यहाँ पे सपोर्ट है और प्राइस ने उसको तोड़ा नहीं इसलिए ऊपर चला जाएगा, उसके अलावा और कहीं कोई बात नहीं कि अपसाइड जा सकता है, कोई कहीं बात नहीं। उसके अलावा एक और जगह थी जहाँ पे मैंने रेफर किया, जीसीडी में मेरे स्टूडेंट्स ने निकाला हुआ था कि ये स्टॉक अपसाइड जा सकता है, और लमसम 11 या 12 दिन या कितने का ट्रेड था जो लमसम 20 मार्च तक पूरा होने वाला था, जिसमें कि पहला टारगेट 3.5% या 4% कुछ का था, ठीक है, तो वो इन जनरल हो गया है लमसम पूरा, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि यहाँ पे हमने पूरा एक तरीके से पूरा 360 डिग्री का एनालिसिस किया आईटीसी का, सारी बातों को समझा, जो चीजें अभी तक हो रही थी मार्केट में जितनी चीजों के बेसिस पे इतनी जो भी गर्मा गर्मी चल रही थी। यार देखो जब भी मैंने देखा इस तरीके की न्यूज की बातें होती हैं अच्छी बात है, लेकिन वो स्टॉक वो करता है जो उसको अपना मन होता है। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा ये हाई बन गया, ठीक है, उसके बाद में ये दूसरा हाई बन गया, अब तीसरा हाई जो भी यहाँ पे बनेगा वो इस हाई को इन जनरल ब्रेक नहीं कर पाए, इस वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगा इन जनरल जो हमने अभी तक देखा है, जो हमारी थ्योरी कहती है कि हायर हाई या लोअर लो वाली फॉर्मेशन, तो यहाँ पे इन जनरल लगता है कि नहीं कर पाएगा, लेकिन अपना इलियट वेव के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो लगता है कि क्रॉस कर जाएगा, और ये चैनल को बहुत क्लोजली आपको वॉच करना पड़ेगा ये जिसके अंदर ये प्राइस चल रहे हैं अभी, इसके बाद में ये नेक्स्ट ऊपर ऐसे जाकर के कहीं टच मारना चाहिए, एक बार उसको टच मारता है फिर अगर उसके ऊपर स्टेबल करता है तो फिर ये ऊपर थर्ड वेव की तरफ आपको रैली दिख सकती है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा जो स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके की न्यूज को सुन करके उसके बेसिस पे काम करने लग जाते हैं, ताकि आपको बेस्ट वैल्यू, बेस्ट चीज, बेस्ट एडवाइस, बेस्ट हर चीज मिले, ताकि आपको आपका कहीं पे भी किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, ठीक है। मैं हूँ रुचिर गुप्ता फ्रॉम रुचिर गुप्ता ट्रेनिंग अकेडमी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और धमाके के साथ में, किसी और स्टॉक के साथ में। थैंक्स अगेन, बाय।